अगर आप भी आपके फेस पर कोई सी ना कोई सी क्रीम यूज करते हैं फेस को ग्लो करने के लिए, पिंपल्स रिमूव करने के लिए, या कोई फेस के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो क्रीम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसके फायदे नुकसान क्या क्या होते हैं, जो भी आप क्रीम यूज करते हो सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टा पे लगभग बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे कि सर हमने ये वीडियो देख के ये क्रीम यूज़ कर ली और ये प्रॉब्लम थी हमारी, बट हमें साइड इफेक्ट होने लग गए, हमारे फेस पर ये प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, इससे ज़्यादा और हो गई। तो इसका जो भी हमें साइड इफेक्ट हुआ उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छा सा वीडियो बनाए। तो देखो, अगर आप कोई भी इंसान, लगभग सभी लोग जो फेस पर क्रीम्स यूज़ करते हैं, 99.99% लोग ऐसे होते हैं जो फेस पर कोई सी ना कोई सी क्रीम्स यूज़ करते हैं। अगर आप मेडिकल क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि आपके फेस की बाट लगा देते हैं। तो लगभग सब मेडिकल क्रीम के पीछे ही भागते हैं क्योंकि वो रिजल्ट बहुत जल्दी देती है। अगर आप कोई सी ना कोई सी क्रीम्स यूज़ करते हो, किसी ने आपको बताया, आपको सजेस्ट किया है, तो पहले आप उससे पूरी बात करें कि सर मैं ये क्रीम यूज़ कर रहा हूँ उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो इसके साइड इफेक्ट को कैसे सही किया जाता है। देखो, अगर मैं जो क्रीम यूज़ करता हूँ और आप जो क्रीम यूज़ करते हो तो वो फ़र्क होता है कि आप कैसे यूज़ करते हो, मैं कैसे यूज़ करता हूँ। अगर मैं अच्छे टाइम से यूज़ करता हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग, देखो आपको पता है कि बहुत सी क्रीम नाइट में यूज़ की जाती है, बहुत सी मॉर्निंग में यूज़ की जाती है, या बहुत सी दोपहर में यूज़ की जाती है, तो सब क्रीम्स का अलग अलग टाइम होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा ही परेशान होते हैं फेस को लेकर, वो कोई से भी टाइम फेस पर क्रीम्स लगा धरते हैं, चाहे वो धूप में जा रहे हैं, चाहे छाया में रह रहे हैं, चाहे कुछ भी करके, तो उसके फिर साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मेडिकल क्रीम जो रहती है उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है, चाहे आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर लो, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपकी फेस की पूरी बाट लग जाएगी। आप फेस को सही करने के लिए क्रीम यूज़ करते हो लेकिन फेस और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं लगभग ये सभी के लिए बता रहा हूँ जो भी फेस पर कोई सी ना कोई सी क्रीम यूज़ करता है, साइड इफेक्ट सभी क्रीम के होते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन पता करें। जिसके भी आप वीडियोस देखते हो, जिसके भी जिसको आप फॉलो करते हो वो आपको बताते हो, तो आप उससे बात करें और बात करने के बाद आप पूरा डिसाइड करें कि आपके फेस पर साइड इफेक्ट होगा तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और लगभग सभी के हो जाते हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट सभी के होते हैं, तो वह साइड इफेक्ट के सॉल्यूशन भी होते हैं कि इनको कैसे सही किया जाता है। तो आप सब कुछ अच्छे आराम से करें, साइड इफेक्ट से बचें, और उस क्रीम की पूरी जानकारी लेके आप आपके फेस पर वो क्रीम यूज़ करें। और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, आप हफ्ते दो हफ्ते में या महीने में क्रीम्स चेंज ना करें। एक क्रीम आप यूज़ करते हो तो उसका असर कम से कम एक या दो वीक तक आपके फेस पर रहता है। अगर किसी दूसरी क्रीम का आप यूज़ करते हो तो फिर वो दो दो क्रीम्स का केमिकल आपके फेस पर आ जाता है, जिससे आपका फेस या तो रेड हो जाता है, या बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर काले काले धब्बे, या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आपकी जलन पड़ने लगती है, जिससे कि ब्लड भी आने लग जाता है। तो आप ये रिस्की काम ना करें, पूरी इंफॉर्मेशन पता करने के बाद आप आपके फेस पर क्रीम यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।